Hello students, I hope you all are doing fine. My name is Dipali and I'm an ACCA member. So, हमने last class में कुछ basic accounting terminologies पढ़ी थी. क्या क्या accounting terminologies पढ़ी थी? हमने assets के बारे में पढ़ा था, liabilities, capital, expense, income और हमने कुछ journal entries बनाना सीखी थी. अच्छा, हम पूरा का पूरा कापलान कवर कर रहे हैं और ये जो भी हमने पढ़ा था एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंसेस इनकम एंड इनकी कुछ जर्नल एंट्रीज जो हमने देखी थी, ये हमने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कल सारा कवर कर लिया था, लास्ट क्लास में सारा कवर कर लिया था. सो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5 एंड वील स्टडी अबाउट सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. एंड देन इन ट्रेड एंड देन इन कैश डिस्काउंट अगेन देर आर टू बाइफिकेशंस, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. And then third topic will be sales tax, output tax and input tax. So in chapter 5, so we are going to cover these three topics: returns, discounts and tax. Okay, so let's start with discounts. So discounts are of two types. First is called trade discount, and second one is called cash discount. So now trade discount is given to the customers based upon the list price of the goods or commodities. So one thing here that you need to remember is that it is given on the list price. List price of the goods is a very important term here. और क्यों दिया जाता है ये? ये दिया जाता है to promote bulk sales. To promote what? Bulk sales. भाई किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी उसकी लिस्ट प्राइस होती है, उस लिस्ट प्राइस पे मे बी 5%, 2%, 3% कुछ भी ये डिस्काउंट उनको दिया जाता है बेस्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा खरीद ले, वो बल्क क्वांटिटी परचेज करे. सो टू प्रमोट बल्क सेल्स ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है. सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. So now cash discount is given to the customers at the time of the payment. At the time of the payment. So अब ये goods के ऊपर नहीं दिया जाता, ये payment को promote करने के लिए दिया जाता है, early payment को. तो इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मींस अर्ली और क्विक पेमेंट. सो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है, भाई कस्टमर को बोलते हैं कि अगर आप हमें विद इन अ वीक
सप्लायर एट द टाइम ऑफ सेल्स उसको एक कंडीशन बोल देगा दैट इफ यू डू द पेमेंट विद इन अ वीक विल गिव यू 5% डिस्काउंट. विल गिव यू हाउ मच? 5% डिस्काउंट. डिस्काउंट की हम डेफिनेशन कर लेते हैं. व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड When discount is allowed by the seller to his customer at a fixed percentage on the list price or catalog price of goods, then it is called trade discount. ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी. और कैश डिस्काउंट क्या होता है? When discount is allowed by the seller to his customer for getting prompt, quick, fast, early payments, then it is called cash discount. So trade discount को तो हम record नहीं करते. It is not recorded in the books of accounts as it is deducted from the price in the invoice bill और कैश मेमो इटसेल्फ. और जो कैश डिस्काउंट है वो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड यूजुअली इट इज ऑफर्ड टू क्रेडिट कस्टमर्स. अब जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं उनको यूजुअली हम यूजुअल जो क्रेडिट पीरियड होता है वो 30 to 90 days का क्रेडिट पीरियड होता है, राइट? अब जब हमें उनको कैश डिस्काउंट देना है तो हम उन्हें ये बोलेंगे कि प्लीज मेक द पेमेंट विद इन 2 weeks और 1 week टू अवेल दैट 5% डिस्काउंट और 3% डिस्काउंट. तो अगर वो 2 weeks के अंदर अंदर पेमेंट कर देते तो उनको एडिशनल 5 या 3% का डिस्काउंट मिलेगा. बट अगर वो अपने नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के अंदर कर रहे हैं या क्रेडिट पीरियड के बाद कर रहे हैं तो उनको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. अब ट्रेड डिस्काउंट में इंटेंशन हमेशा यही होता है कि बल्क सेल्स वाला, कि जर्नली द इंटेंशन इज टू मेक द बल्क सेल्स. और कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट में क्या होता है? द इंटेंशन इज टू गेट द क्विक पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स. आई होप ये आपको क्लियर है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. ओके, अब जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं. ये दोनों टर्म्स आप याद रखिएगा, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं. अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिस्काउंट अलाउड में एंड अनदर वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड. अच्छा, डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं? अब ये आपको बहुत क्लियरली सोचना है जब हम सेल्स कर रहे हैं. सो बेसिकली जब हम सेल्स कर रहे हैं, लेट सपोज मैं एक एबीसी लिमिटेड हूँ और मैं सेल्स कर रही हूँ, तो जब मैं सेल्स करूँगी तो मैं अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करूँगी. मैं उन्हें डिस्काउंट दे रही हूँ. अलाउ का मतलब होता है टू गिव देम डिस्काउंट. सो आई एम द वन हु इज गिविंग द डिस्काउंट टू द कस्टमर्स. और डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब मैं एबीसी लिमिटेड परचेज कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ? परचेज. सो हु इज गिविंग मी द डिस्काउंट? माय सप्लायर्स आर गिविंग मी द डिस्काउंट. सो माय सप्लायर्स आर गिविंग मी द डिस्काउंट, सो आई एम रिसीविंग इट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड. नाउ इन डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड देयर आर फर्दर टू केसेस. First, now in discount allowed, there is a possibility that my customer may take the advantage of that discount, may take the advantage, discount advantage, or he may not take the discount advantage. तो हो सकता है जो मेरा customer है वो advantage ना ले, हो सकता है वो ले ले. चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो द क्वेश्चन इज, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर एट अ प्राइस ऑफ $200 एंड द कस्टमर वॉज ऑफर्ड 3% सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर सेटलमेंट विद इन 10 days ऑफ द इनवॉइस डेट. ठीक है, सबसे पहले सेल्स के टाइम पे हमें ये सोचना है सबसे पहले एंट्री क्या बनी होगी एट द टाइम ऑफ सेल्स. डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट सेल्स और रेवेन्यू, व्हाटएवर यू वांट टू से.
डॉलो 200 डॉलो 200, ठीक है। ये तो सेल्स के टाइम पे मैंने एंट्री करी होगी। मैंने आपको उस दिन बताया भी था, आपको मैं एक बार रूल्स रिवाइज करवा देती हूँ मॉडर्न अप्रोच के। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल एंड इनकम, इन तीनों अकाउंट का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज, ठीक है। जबकि एसेट, एसेट के अंदर दोनों चीजें आती हैं, प्रॉपर्टीज प्लस रिसीवेबल्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस के अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, राइट। सो इसलिए क्योंकि हमारी सेल्स हो रही है तो सेल्स बढ़ रही है तो सेल्स हमारी क्रेडिट होगी, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्योंकि हमारे बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, क्योंकि अब हमें पैसा रिसीव करना है $200 अपने कस्टमर से, और सेल्स क्योंकि हमारा इट्स अ रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट है, तो वो क्रेडिट होएगा। जब क्रेडिट, जब इनकम अकाउंट बढ़ता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सो अब क्या एंट्री होगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होगी? व्हेन द कस्टमर, दो केसेस हैं, व्हेन द कस्टमर इज अवेलिंग द डिस्काउंट, व्हेन द कस्टमर इज अवेलिंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या था? 3% जो डिस्काउंट था। सो 200 का 3% कितना होता है? $6। सो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट कैश, डेबिट डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हो जाएगा $200, ये आएगा $194 और ये होगा $6। कैसे हुई ये एंट्री? देखो, कैश, पहले तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा डेबिट था क्योंकि वो रिसीवेबल था, अब क्योंकि वो रिसीव हो गया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। भाई हमारे रिसीवेबल्स अब कम हो गए ना, क्योंकि हमने रिसीव कर लिया, तो जब हमने रिसीव कर लिया तो जब रिसीवेबल्स बढ़ते हैं तो डेबिट, और जब रिसीवेबल्स कम होते हैं तो क्रेडिट, राइट। तो हमारे रिसीवेबल्स क्या हो गए? कम हो गए। सो इसलिए $200 अब क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। बट वी आर रिसीविंग द कैश, हम अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं। सो कैश इज व्हाट? कैश इज एन एसेट। तो एसेट जब हम रिसीव कर रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ गया तो वो डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारा एक्सपेंस है। वो क्या है? वो बिजनेस का, एबीसी लिमिटेड का एक एक्सपेंस है, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउ क्या हुआ? उसका एक्सपेंस हो गया, उसको ये $6 जो है उसको रिसीव नहीं होंगे। ऑल्दो उसकी सेल्स कितने की थी? उसकी सेल्स 200 की थी, पर उस सेल्स के अगेंस्ट में वो कितने रिसीव कर रहा है? ही इज रिसीविंग ओनली $194, ही इज नॉट रिसीविंग दैट $6। तो वो उसका एक तरीके से एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो हमेशा अपने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, इनके अकाउंट्स क्या रखेंगे? इनके सेपरेट लेजर्स रखेंगे। बट जो छोटे कॉर्पोरेट्स होते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटर्स होता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव का एक सेपरेट लेजर रखे। वो सिर्फ एक लेजर डिस्काउंट का भी रख सकते हैं, नहीं तो वो अपनी रेवेन्यू में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड की जगह रेवेन्यू भी आ सकता है, रेवेन्यू अकाउंट। भाई कैश अकाउंट, डेबिट, डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट रेवेन्यू अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये अपने रेवेन्यू को कम कर रहे हैं। पहले रेवेन्यू क्या था? क्रेडिट था 200 से। अब क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं 6 से। तो इसका मतलब फाइनली कितना रेवेन्यू बचा? $194 का ही तो हुआ। ठीक है, तो रेवेन्यू को क्या कर दिया? कम कर दिया, क्योंकि पहले क्या था? रेवेन्यू जो था सेल्स करने के टाइम पे
रेवेन्यू क्या था? $200 था, तो अब $6 से उसको डेबिट कर दिया, तो वो क्या हो गया? कम हो गया ना। सो दे कैन ऑल्सो, यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, राइट? और रेवेन्यू का रूल क्या होता है? रेवेन्यू क्या बोलता है? जब रेवेन्यू क्रेडिट होता है तो वो इंक्रीज होता है, बट जब रेवेन्यू डेबिट होता है तो वो डिक्रीज होता है। तो एक तरीके से मैंने अपना यहाँ पे रेवेन्यू डिक्रीज कर दिया, या तो रेवेन्यू को डिक्रीज करके दिखा दो या फिर एक अलग से एक्सपेंस का अकाउंट दिखा दो, बात तो वही है। सो इट्स द सेम थिंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव की जगह पे रेवेन्यू वर्ड आ जाता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। सो ये वाला क्या, कौन सा केस था? ये डिस्काउंट अलाउड का केस बताया मैंने आपको। डिस्काउंट अलाउड किसके केस में होता है? सेलर के केस में, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ। सी द एंट्रीज नाउ, यही एंट्रीज। ओके नाउ, ये जो मैंने आपको पहला वाला केस बताया ये क्या था? व्हेन द कस्टमर इज टेकिंग द एडवांटेज। व्हाट इज द सेकंड केस? व्हेन द कस्टमर इज नॉट टेकिंग द एडवांटेज। व्हाट इफ ही डजंट टेक द एडवांटेज? कस्टमर इज नॉट टेकिंग द एडवांटेज, कस्टमर इज नॉट टेकिंग द एडवांटेज, व्हेन द कस्टमर इज नॉट टेकिंग द एडवांटेज। When the customer is not taking the advantage. अब इस केस में क्या है? You have just a very simple entry pass होगी। Cash account debit हो जाएगा और trade receivables credit हो जाएगा $200 से। भाई वो advantage नहीं लेना चाह रहा, उसके पास पैसे नहीं है early payment के लिए, वो अपने credit terms के बाद ही पैसे देना चाहता है, तो simple entry pass होगी। कैश अकाउंट डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट, सिंपल सी बात है। ट्रेड रिसीवेबल्स अब हमारे क्या हो गए? कम हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्या हो गए? अब कम हो गए, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे। भाई पहले रिसीवेबल था, अब रिसीव हो गए, तो रिसीव हो गए तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्या होएगा? कम हो गए। कम हो गए मतलब क्रेडिट हो गए। और कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, सो कैश बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, ठीक है? कैश बढ़ रहा है तो डेबिट। सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये था डिस्काउंट अलाउड का केस। अब है डिस्काउंट रिसीव का केस। डिस्काउंट रिसीव कब होता है? डिस्काउंट रिसीव कब होता है? मैंने अभी आपको बताया, जब मैं बायर हूं तो मैं रिसीव कर रही हूँ डिस्काउंट कहां से? अपने सप्लायर से मैं डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ। माई सप्लायर इज गिविंग मी द डिस्काउंट। So when my supplier is giving me the discount, तो वो क्या हो जाएगा? Discount receive हो जाएगा। Okay, अब हम एक बार इसकी entries देखते हैं। Let's read the question first. Purchase goods from supplier at a price of $200 with an offer of 3% settlement discount for settlement within 10 days of the invoice date. ओके अब मैं बायर हूं, अब मैं चाहूं तो आई कैन टेक द एडवांटेज एंड आई कैन नॉट टेक द एडवांटेज। भाई अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अर्ली सेटलमेंट का एडवांटेज ले सकती हूँ, बट अगर पैसे है ही नहीं तो कहाँ से एडवांटेज लेंगी? सो इसमें भी दोनों केसेस होंगे, नॉट टेकिंग द एडवांटेज। I can take the advantage and I cannot take the advantage, depend. So सबसे पहले purchase करने की entry क्या होगी? सबसे पहले सिर्फ purchase की entry देखते हैं। Purchase हो जाएगा debit और credit क्या होएगा? Trade payables. अब trade payables बोलो, suppliers बोलो, कुछ भी आ सकता है exam में, ठीक है? So ये तो purchase करने की entry होगी। और दूसरी entry कौन सी होगी? ये तो purchase करने की entry है, डेबिट परचेज क्रेडिट ट्रेड पेबल्स। अब व्हेन आई एम टेकिंग द एडवांटेज, ठीक है, तो जब मैं एडवांटेज ले रही हूं तो मुझे डिस्काउंट रिसीव होएगा, इसका मतलब मुझे कम कैश पे करना है। अब
सो एंट्री क्या होगी, डेबिट ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट कैश, ट्रेड पेबल्स तो 200 से, कैश में कितना पे करूंगी 194, क्योंकि मैं एडवांटेज ले रही हूँ 3% डिस्काउंट का, और क्रेडिट होएगा डिस्काउंट रिसीव $6। ठीक है, अब एक बार हम इसको समझते हैं। ट्रेड पेबल्स पहले क्रेडिट था, अब ट्रेड पेबल्स क्योंकि कम हो गए तो वो डेबिट हो जाएगा, गो एज पर द मॉडर्न अप्रोच का रूल। सो इफ यू गो बाय दैट रूल, वो क्या बोलता है, लाइबिलिटी के केस में क्रेडिट होता है इंक्रीज और डेबिट होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज हो गए ना पेबल्स, क्यों, क्योंकि मैं पेमेंट कर दिया मैंने। फिर एसेट के केस में क्या होता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। बिजनेस से कैश जा रहा है, मैं 194 का पेमेंट कर रही हूँ, तो जब मैं 194 का पेमेंट कर रही हूँ तो बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। देन डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। अब डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे एक तरीके से इनकम हो गई बिजनेस की, इनकम बोल दो, गेन बोल दो, गेन हो गया एक तरीके से। क्यों, क्योंकि $6 कम पे करने पड़ रहा है, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला तो मैंने एक तरीके से इनकम हो गई ना $6 की, तो क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये डिस्काउंट रिसीव की जगह रेवेन्यू भी लिखा हुआ आ सकता है, सेम वही बात हो जाती है, कॉर्पोरेट्स वाली बात हो जाती है। ये उसकी एंटिटी की साइज पर डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो वो हर चीज को बाइफोकेट करके सेपरेट लेजर्स बनाना पसंद करेंगे, बट इफ इट्स अ स्मॉल स्मॉल ओनरशिप तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये ना बनाए और सिर्फ रेवेन्यू डायरेक्टली ये रेवेन्यू में एडजस्ट कर दे। सो ये जो क्रेडिट जो है रेवेन्यू भी आ सकता है यहाँ पे, कि रेवेन्यू भी क्रेडिट हुआ है $6 से, ये एक तरीके से गेन है। और गेन का या इनकम का केस क्या होता है, क्रेडिट द इंक्रीज डेबिट द डिक्रीज। सो प्लीज आप ये जो रूल्स हैं इनके साथ थरो हो जाइए, अगर ये रूल्स आपके टिप्स पे होंगे तो एंट्रीज बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, और जर्नल एंट्रीज जो है वो पूरी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी कि कब क्या चीज़ कहाँ आएगी। सो डेबिट क्रेडिट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए और थरो होने चाहिए। सो ये वाला तो हमने फर्स्ट केस पढ़ा, व्हेन टेकिंग द एडवांटेज, बट व्हाट व्हेन आई एम नॉट टेकिंग द एडवांटेज, व्हेन आई एम नॉट टेकिंग द एडवांटेज व्हिच इज द सेकंड केस। सो मतलब मुझे पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा अपने सप्लायर को। सो डेबिट व्हाट, डेबिट ट्रेड पेबल फ्रॉम हाउ मच, $200, और क्रेडिट क्या होगा, ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएगा $200 से, और क्रेडिट क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा पूरा पूरा कैश, क्योंकि मैं पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा ना, मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नाउ आई विल हैव टू मेक द एंटायर पेमेंट बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द एडवांटेज। सो ये एंट्री पास होगी। आई होप ये क्लियर होंगे अब आपको सारे के सारे। बायर इज एक्सपेक्टेड टू टेक द एडवांटेज, बायर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक द एडवांटेज, दोनों चीजें मैंने आपको करा दी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। अच्छा, क्योंकि आपका सीबीई एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सो आई होप यू आर क्लियर कि आपको या तो आपके पास एमसीक्यू होंगे विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर आपके पास एमटीक्यूज होंगे, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू का केस तो क्या होता है कि एमसीक्यू में आपको या तो चार ऑप्शंस हो सकते हैं, एमसीक्यू के बॉक्स में देयर कुड ऑल्सो बी अ बॉक्स, एंड इस बॉक्स में यू हैव टू फिल द, आपको कुछ कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है, सो यू हैव टू फिल दिस विद अ कैलकुलेशन। कोई नंबर आएगा, कोई नंबर कंप्यूट करना होगा, कोई फिगर कंप्यूट करके भी लिखना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार चार ऑप्शंस हो। फाइन, तो ये बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आल्सो। अच्छा, अब हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं। सो एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ $1,000। सबसे पहले सोल्ड गुड्स मतलब
सेल्स, एबीसी के लिए क्या आई है, सेल्स टू स्मिथ विच वॉज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, सो एक तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 5% का, एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 4% इफ द इनवॉइस वॉज पेड विद इन 7 days। द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अवेलेबल टू क्रेडिट कस्टमर्स इज 30 days फ्रॉम द इनवॉइस डेट। ओके, सो क्रेडिट पीरियड बता रहा है ये कि 30 days का क्रेडिट पीरियड है। एट द पॉइंट ऑफ सेल स्मिथ वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट टर्म्स ऑफर्ड। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ सेल तो जो स्मिथ है ना उसको देख के ये लगा था कि भाई वो डिस्काउंट जो है उसका एडवांटेज नहीं लेगा। इफ स्मिथ सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days एंड वॉज एलिजिबल फॉर द सेटलमेंट डिस्काउंट, वॉट अकाउंटिंग एंट्री शुड बी मेड बाई एबीसी टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। What accounting entry should be made by ABC to record settlement of the amount outstanding? Okay, I hope clear question जो है वो अब clear है। See, वो बोल रहा है कि Smith को sales किया for $1,000। Okay, 5% तो था trade discount और settlement discount जो था या cash discount जो था वो था 4%। तो अब ये बोल रहा है कि जब उसको सेल्स किया था तब तो लगा कि वो नहीं लेगा डिस्काउंट, बट उसने विद इन 7 days उसने पेमेंट कर दिया, मतलब ही अवेल्ड दिस कैश डिस्काउंट। सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज? सो पहले हम सेल्स की एंट्री करते हैं और फिर हम देखते हैं कि पेमेंट की एंट्री क्या होगी। तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल स्मिथ का नाम आ जाएगा अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगी, सेल्स अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने ऑल्दो ये नहीं पूछा है बट सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रही हूँ। अब 5% कितना होता है, 1000 का 5% कितना होता है, 50। सो $50 का तो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, और मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, $1,000 माइनस $50, $950। तो बेसिकली मैं बुक्स में यही दिखाऊंगी कि जो मैंने सेल्स करी वो कितने की करी, $950 की। सो दैट इज द फर्स्ट एंट्री। बट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द एंट्री इफ द कस्टमर इज अवेलिंग द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। सो बेसिकली हम क्या रिसीव करेंगे, कैश। अब ये जो 4% होगा ये 950 पे है, कितना होता है 38। ओके, सो इसका मतलब रिमेनिंग कितना, हम कितना रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अवेलिंग द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सो वी आर रिसीविंग हाउ मच, $912। ओके, सो कैश अकाउंट जो है मेरा वो डेबिट होगा $912 से। ओके, क्रेडिट क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, कितने से क्रेडिट होगा, $38 से डेबिट होगा, सॉरी डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड की जगह रेवेन्यू अकाउंट भी हो सकता है, और क्रेडिट क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने से, $950 से। ऑलवेज रिमेंबर द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड मैच। सो 912 प्लस 38 इज इक्वल टू 950। सो ये दोनों डेबिट्स थे और ये दोनों क्रेडिट्स थे। सो डेबिट क्रेडिट का टोटल जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। सो ये एंट्री पास होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे हमारे 950 से क्योंकि वो रिसीव हो गए, कैश बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक तरीके से एक्सपेंस अकाउंट है तो वो डेबिट होगा, और रेवेन्यू या तो आप डिस्काउंट अलाउड बोल सकते हैं या रेवेन्यू बोल सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कैश डेबिट 950 से, डेबिट रेवेन्यू 50 से, क्रेडिट नहीं, ये एंट्री नहीं होगी। सेकेंड इज कैश 950 से, रेवेन्यू 38 से, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, टोटल ये क्रेडिट कर रहे हैं रेवेन्यू को, नहीं ये भी नहीं है, गलत एंट्री है ये भी।
कैश 912 से, रेवेन्यू 38 से और ट्रेड रिसीवेबल्स 950 से. यस, दिस इज द करेक्ट एंट्री. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नहीं, यहाँ पे इस फोर्थ में वो हमको दिखाई नहीं रहे. कैश डिस्काउंट तो दिखाना पड़ता है ना, बट दे आर नॉट शोइंग इट इन द फोर्थ वन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सी पे टिक लगाएंगे. आई होप क्लियर है आपको ये कैसे किया हमने. चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज एबीसी सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,500 टू जोन्स विच वॉज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 4%. सो एक तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट और एक 4% का अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट इफ द इनवॉइस वॉज पेड विद इन 7 days. द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अवेलेबल टू क्रेडिट कस्टमर इज 30 days फ्रॉम इनवॉइस डेट एट द पॉइंट ऑफ सेल. जोन्स वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट टर्म्स. नाउ सी इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है. यहां बोला था कि जो स्मिथ है, स्मिथ वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन क्योंकि चेंज हो सकता है. सिर्फ एक नॉट जो है वो पूरे आंसर को चेंज कर सकता है. सो स्मिथ वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज एंड यहां पे जोन्स वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक द एडवांटेज. इफ जोन्स सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days एंड वॉज एलिजिबल फॉर द सेटलमेंट डिस्काउंट वॉट अकाउंटिंग एंट्री शुड बी मेड बाई एबीसी टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग. सो ये एक ट्विस्ट है यहाँ पे. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इट वॉज एक्सपेक्टेड वो ही विल टेक द एडवांटेज. सो इस केस में क्या करेंगे. ओके लेट्स सी. अब जब इनिशियली ही एक्सपेक्टेड होता है, जब इनिशियली ही एक्सपेक्टेड है कि एबीसी को कि ये डिस्काउंट लेगा तो वो सेल्स के टाइम पे ही उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देगा. राइट, वो उस डिस्काउंट को सेल्स के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर देगा. ठीक है, तो वो सेल्स की जब एंट्री पास करेगा तो वो क्या पास करेगा. डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, क्रेडिट सेल्स और रेवेन्यू. ठीक है, अब 2250 आई थिंक दैट्स द अमाउंट. यस टू सॉरी 2500 आई एम सॉरी 2500 कितना ट्रेड डिस्काउंट है 5%, मतलब 95 कंसिडर कर लेते हैं, विच विल बी एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है. सो आप ले जाइएगा आराम से. टू थ्री सेवन फाइव. सो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो सेल्स कितनी की हुई, $2375. ओके, अब इस 2375 पे फर्दर 4% का डिस्काउंट है, मतलब 96%. विच विल बी 2280. सो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे कितने होंगे, 2280 और 95 का डिस्काउंट अलाउड. जब मुझे शुरू में ही एक्सपेक्टेड है कि यार ये जो कस्टमर है ये डिस्काउंट को अवेल करेगा, तो मैं एट द टाइम ऑफ सेल्स ही उसकी एंट्री पास कर दूंगी. आई विल नॉट वेट फॉर द कैश पेमेंट. मैं कैश पेमेंट का वेट नहीं करूंगी. मुझे पता है कि यार इसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है इस पर्टिकुलर कस्टमर की और ये यूजुअली विद इन अ वीक ही पेमेंट कर देता है. वो अपने क्रेडिट पीरियड के लिए वेट ही नहीं करता, तो मैं सेल्स के टाइम पे ही उसकी एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री बुक कर दूंगी. सो ये देखिए, सेल्स की एंट्री मैंने उसी टाइम पे बुक कर दी, सॉरी डिस्काउंट की एंट्री मैंने सेल्स के टाइम पर ही बुक कर दी. मैंने पेमेंट का वेट नहीं किया कि जब मुझे कैश पेमेंट मिलेगा मैं तब डिस्काउंट की एंट्री करूं. नहीं,
तो सेल्स के टाइम पे जब ये बुक हो गई, तो आप कैश पेमेंट और उसने अवेल भी कर लिया डिस्काउंट, अब जब उसने अवेल भी कर लिया डिस्काउंट तो एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, $2280, $2280। ठीक है, सो एंट्री ये पास होगी। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2280 से और क्रेडिट हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे क्यों नहीं रिकॉर्ड, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे क्यों डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ जो था, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हमने पहले ही पास कर ली एट द टाइम ऑफ सेल्स। मैं आपके लिए थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। एक तो होता है जब मुझे पता है कि कस्टमर एडवांटेज लेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए नॉट टेकिंग द एडवांटेज, वो नहीं लेगा। सो इसका तो बहुत सिंपल एंट्री है। बट एक क्या है कि एक तो एक्सपेक्टेड है कि वो लेगा, एक्सपेक्टेड है कि वो लेगा और वो ले भी लेता है एंड ही टेक्स द एडवांटेज, मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स एक्सपेक्टेड है और वो ले भी लेता है एडवांटेज एंड ही टेक्स द एडवांटेज। तो जब शुरू में ही एक्सपेक्टेड है, जब शुरू में ही एक्सपेक्टेड है, तो मैं जो डिस्काउंट है ना वो शुरू में सेल्स के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर द कैश पेमेंट, नॉट वेटिंग फॉर द कैश पेमेंट, मैं उस कैश पेमेंट का वेट ही नहीं कर रही। जब मुझे एक्सपेक्टेड है तो मैं तभी उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ठीक है, और एक तो है कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड एंड देन ही टेक्स इट, कस्टमर टेक्स द एडवांटेज। एक तो एक्सपेक्टेड था नहीं और फिर उसने ले लिया। सो नॉट एक्सपेक्टेड और टेक्स द एडवांटेज के टाइम पे क्या होता है कि मैं जब कैश पेमेंट आ रहा है ना, मैं तब रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ मैं सेल्स के टाइम पे, तो सेल्स की तो मैं सिंपल एंट्री कर देती हूँ, डेबिट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, लेकिन इस केस में मैं क्या करती हूँ, जब मुझे एक्सपेक्टेड है शुरू में ही एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो मैं क्या एंट्री पास करती हूँ, मैं उसको सेल्स के टाइम पे ही कर देती हूँ, डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स, डेबिट डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट सेल्स और रेवेन्यू, जो भी आपको लिखना है, राइट। तो मान लो मैंने $100 की सेल करी, 5 का डिस्काउंट और रिसीवेबल मेरे को 95 देगा। तो यहाँ पे जब वो मुझे कैश पेमेंट करता है तो वो कितना पे करता है, डेबिट कैश 95, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल 95। आई होप अब ये तीनों क्लासेस क्लियर होंगे। ये वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वाला भी मैंने आपको पहले बता दिया था, दिस आई हैव टोल्ड यू बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में अब देखो, तो क्वेश्चन में राइट आंसर बी है। अब अगर आप देखो 2000, सो डेबिट कैश 2280, डेबिट रेवेन्यू 95 एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर आप इस पर टिक करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एट द पॉइंट ऑफ सेल जोन्स वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज, तो जब एक्सपेक्टेड था, इनिशियली ही एक्सपेक्टेड था, तो डिस्काउंट जो था वो सेल्स के टाइम पे ही रिकॉर्ड हो गया। सो अगर आप इस पे टिक करते तो आपका गलत हो जाता एंड यू वुड हैव लॉस्ट योर मार्क्स, 2 मार्क्स, और इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी बी। देन डेबिट कैश, डेबिट रेवेन्यू 125, नो इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ कैश डिस्काउंट। And then debit cash 2500 and credit trade receivables. No, this is also incorrect because this is not taking care of both the discounts, trade discount and cash discount. So the correct answer will be B. Okay, let's move further. ABC company sold goods with a list price of 4500 to Black, which was subject to trade discount of 5%.
and early settlement discount of 4% if the invoice was paid within 7 days. The normal credit period available to credit customer is 30 days from the invoice date. At the point of sale, Black was expected to take advantage of the early settlement terms offered. Ab question clearly bol raha hai, was expected to take advantage of the early settlement terms offered. Ab dekhte hain ki leta hai ki nahi leta. If on this occasion Black did not pay within 7 days and was not eligible for the settlement discount, what accounting entry should be made by ABC company to record settlement of the amount outstanding? It's a good question again. Okay. So expected था, but उसने नहीं लिया. अब ये एक अलग fourth case हो गया. हमने तीन cases के बारे में पढ़ा था. अब एक fourth case है कि भाई expected है, initially expected है, but then he doesn't take the advantage. So उस केस में क्या करेंगे? See, सबसे पहले तो आप ये देखो, पहले तो ये देख लो कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है. सो 4500 ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5% है. सो इसका मतलब 5% है तो 95% की सेल्स हुई. सो हमारा सेल्स अमाउंट कितना होगा? 4500 इंटू 95% 4275. एंड इनिशियली ही एक्सपेक्टेड था सेल्स का डिस्काउंट का. तो जब इनिशियली एक्सपेक्टेड था तो मैं जो डिस्काउंट है वो इनिशियली सेल्स के साथ ही रिकॉर्ड कर दूंगी. सो ये तो ट्रेड डिस्काउंट है. अब कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? अच्छा, 4275 पे 4%. सो 4% मतलब 96% की 96%. दिस विल बी 4104. और डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ? 171. ओके, सो सेल्स के टाइम पे क्या एंट्री होगी? डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट डिस्काउंट अलाउ और रेवेन्यू, कुछ भी आ सकता है. मैंने आपको पहले ही कहा था एग्जाम में. Wait, I'll do it here. Debit trade receivables, debit discount allowed, and credit sales. So sales तो हमारी कितनी होगी? 4275 होगी. 4500 नहीं होगी, 4275 होगी. क्यों? क्योंकि 4275 जो है, that is after considering the trade discount, right? So trade discount को कंसिडर करने के बाद जो अमाउंट आता है वही आएगा यहाँ पे. ट्रेड रिसीवेबल में कितना आएगा? $4104. डिस्काउंट अलाउड या फिर रेवेन्यू पे क्या आएगा? $171. सो इनिशियली तो एक्सपेक्टेड था कि वो डिस्काउंट लेगा, बट देन ही डजंट टेक दी डिस्काउंट. तो अब क्या एंट्री होगी? डेबिट होगा कैश. क्या होगा? डेबिट होगा कैश. कितने से? क्योंकि वो डिस्काउंट नहीं ले रहा और मैंने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, तो अब वो क्योंकि नहीं ले रहा तो वो पूरा का पूरा 4275 ही पे करेगा. सो 4275, राइट. क्रेडिट हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स. कितने से? $4104 से. और क्रेडिट हो जाएगा रेवेन्यू. कितने से? $171 से. रेवेन्यू या फिर डिस्काउंट अलाउड. सो बेसिकली जो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट अलाउ को पहले डेबिट कर दिया था, वो मैं अब उसको क्रेडिट करके नलिफाई कर रही हूँ. हमेशा ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मान लो मुझे कभी भी मुझसे कोई एंट्री गलत हो जाती है, तो मैं उसको रिवर्स करके उस एंट्री को मैं नलिफाई कर सकती हूँ, राइट. सो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ जो मैंने पहले डेबिट कर लिया था, क्योंकि वो अब नहीं है डिस्काउंट अलाउड, तो वो मैं उसको क्रेडिट करके वो नलिफाई हो जाएगा.
ठीक है, वो इसके साथ इधर नलिफाई हो जाएगा. सो डेबिट कैश, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट रेवेन्यू. सो दिस विल बी द करेक्ट एंट्री. आई होप इट इज क्लियर. सो अगर मैं कैश डेबिट करती हूँ, रेवेन्यू 396 करती हूँ, और ये नहीं, सो दिस इज अ रॉन्ग एंट्री. 4275171 डिस्काउंट रिसीव्ड, नो, नहीं ये गलत है. डिस्काउंट रिसीव कैसे हो सकता है? सेल्स के केस में तो डिस्काउंट रिसीव होता ही नहीं है, वो तो परचेज के केस में होता है. तो ये भी गलत है. 4275 नहीं, 4275 नहीं, ये वाली एंट्री भी नहीं पास हो सकती. क्यों नहीं पास हो सकती? ये वाली एंट्री तब पास होती जब एक्सपेक्टेड था और वो डिस्काउंट का एडवांटेज ले लेता है, बट एक्सपेक्टेड था और वो डिस्काउंट का एडवांटेज नहीं लेता. क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है डिड नॉट पे, वो नहीं एडवांटेज ले रहा. तो अगर वो एडवांटेज नहीं ले रहा तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये डेबिट एक्स्ट्रा पड़ा है, राइट? सो इसको नलिफाई करने के लिए इसको क्रेडिट किया है यहाँ पे. सो डिस्काउंट अलाउड या रेवेन्यू जो यहाँ पे डेबिट था वो अब यहाँ पे क्रेडिट किया. सो दिस विल बी द करेक्ट एंट्री. डेबिट कैश 4275, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट रेवेन्यू. सो दिस विल बी द करेक्ट. डी आंसर इज, डी इज द करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो अब हमारा फोर्थ केस आ गया. हम एक बार चारों केसेस को वापस से रिवाइज कर लेते हैं. पहला केस था इनिशियली भी एक्सपेक्टेड नहीं है, इनिशियली नॉट एक्सपेक्टेड, और बाद में भी वो पे नहीं करता. सो उस केस में तो बहुत सिंपल एंट्री है, कैश क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट? दिस वन इज वेरी सिंपल, ठीक है. सेकंड केसेस, इनिशियली एक्सपेक्टेड था और वो पे कर देता है. सो उस केस में क्या एंट्री होगी? क्योंकि जब इनिशियली एक्सपेक्टेड होता है तो सेल्स के टाइम पे ही बुक हो जाएगा. सो सेल्स अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, डेबिट डिस्काउंट अलाउड और रेवेन्यू, एंड क्रेडिट विल बी व्हाट? क्रेडिट विल बी सेल्स. सो पेमेंट के टाइम पे यहाँ पे बहुत सिंपल एंट्री पास होगी. पेमेंट के टाइम पे यहाँ पे बहुत सिंपल एंट्री पास होगी, दैट विल बी कैश और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स. थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है और फिर पे कर देता है. एक्सपेक्टेड नहीं है और फिर पे कर देता है. एक्सपेक्टेड नहीं था डिस्काउंट का, बट पेमेंट के टाइम पे ही टेक्स द एडवांटेज. तो इसमें डेबिट होगा ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट होगा सेल्स. सो ये तो होगा एट द टाइम ऑफ सेल्स, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री होगी कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड ट्रेड रिसीवेबल्स, डिस्काउंट अलाउड और रेवेन्यू, सॉरी, एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, फाइन. और फोर्थ वाला क्या एंट्री पास होगी? डेबिट कैश, डेबिट डिस्काउंट अलाउड और रेवेन्यू, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स. फोर्थ वाले में क्या होगा? एक्सपेक्टेड था कि एडवांटेज लेगा, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट एडवांटेज नहीं लेता. फिर जब एक्सपेक्टेड था तो इसका मतलब मैं तो इनिशियली ही रिकॉर्ड कर दूंगी. तो मैं इनिशियली ही जब रिकॉर्ड कर दूंगी तो डेबिट आज हो जाएगा, डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स, डेबिट डिस्काउंट अलाउड और रेवेन्यू एंड क्रेडिट सेल्स, राइट? बट वो जब नहीं ले रहा, नहीं ले रहा तो क्या होगा? डेबिट होगा कैश विद द फुल अमाउंट, फुल अमाउंट इंक्लूडिंग वो जो डिस्काउंट वाला है, दैट टोटल अमाउंट.
credit trade receivables and credit discount allowed revenue. So ये जो debits, जो दो debits यहाँ पे होते हैं ना, ये दो फिर यहाँ हो जाएंगे. डेबिट क्रेडिट आपस में नलिफाई हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा, कैश ही तो बचता है अल्टीमेटली तो, राइट. सो अल्टीमेटली तो कैश होता है और सेल्स ही तो होती है. सो रिसीवेबल्स और डिस्काउंट अलाउड या रेवेन्यू जो है वो आपस में नलिफाई हो जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन को बहुत थरो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की. अगर जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा. देखना पड़ेगा क्लियरली, क्वेश्चन को देखो कब एक्सपेक्टेड है कब क्या एक्सपेक्टेड नहीं है. ओके, सो लेट्स फिनिश. सो वी हैव फिनिश दिस टॉपिक. सो अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने डिस्काउंट वाला टॉपिक पूरा फिनिश कर लिया. अभी वी हैव कवर्ड बोथ द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. We have covered both trade discount, cash discount. Cash discount के अंदर हमने दोनों cover कर लिए, discount allow भी cover कर लिया और discount receive भी cover कर लिया. Okay, so अब हम next class में पढ़ते हैं sales return and purchase return. Let's finish this class over here. अगर आपको कोई भी problem आती है then please write it in the comment section and let us know. और प्लीज इस टॉपिक को बहुत थरली रिवाइज कीजिएगा एंड मेक श्योर आपके जो रूल्स हैं वो टिप्स पे हैं. मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो रूल्स हैं वो आपके टिप्स पे हैं. अगर रूल्स टिप्स पे होंगे तभी ये एंट्रीज आप इजीली बना पाएंगे. अगर रूल्स टिप्स पे नहीं है तो एंट्रीज बनाने में बहुत मुश्किल होगी. और अगर आपकी एक एंट्री गलत हो जाती है देन यू लूज टू मार्क्स डायरेक्टली. सो इट्स बेटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ. चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.